Good morning, students. Today we are going to start with the ninth session of real numbers. Okay, so in this session we are going to cover question number 6-7 of exercise 1.2. Okay, exercise 1.2, question number 6. And we have two more again important questions which are very important from the point of view of examination. Okay, so explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Okay, so हमें यहाँ पर दो numbers provide किए गए हैं और हमें explain करना है, हमें prove करना है कि वो composite numbers हैं. They are composite numbers. So first of all, we'll write the question. Question number 6. First number is 7 multiplied by 11 into 13 plus 13. Okay. हमें प्रूव करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है. ओके, तो इनिशियली हम यहां पर 7 इंटू 11, नाउ यहां पर 13 है, यहां पर 13 है, तो एक 13 को हम कॉमन ले सकते हैं. ओके, वी कैन टेक इट एज 7 इंटू 13 7 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 13. आप यहां पर आप देख सकते हो कि इस 13 की जगह पर मैं 1 भी लिख सकता हूं. आई कैन राइट एज 1 बिकॉज 13 वन्स आर 13. 13 वन्स आर 13. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 13, वी कैन टेक इट एज 1 एज अ कॉमन ओवर हियर. तो इस 3 को मैं हटा देता हूं, तो यहां पर मिलेगा हमें 7 इंटू 11. अब ये 13 कहीं नहीं गया है, वी हैव टेकन 13 एज अ कॉमन आउटसाइड. तो आप समझोगे ये 1 कहां से आया, 1 यानी 13 वन्स आर 13. ओके, तो यहां पर आएगा आपके पास 7 इंटू 11 दैट इज इक्वल्स टू 77. 77 प्लस 1, ओके, एंड इंटू 13. So that will be equals to 78 multiplied by 13. अब यहाँ पर हम 78 के factors देख सकते हैं. What are the factors of 78? 78 के factors आएंगे 2 into 39, then 3 into 13, 13 ones are 13. तो यहाँ पर 78 के factors आ रहे हैं 2 into 3 into 13 और ये 13 as it is. तो इस पूरे numbers के जो factors है वो है 2 into 3 into 13 इंटू 13. तो ये पूरा नंबर जो है वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर. इसीलिए ये पूरा नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है. ओके, एज इट इज रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर. तो ये नंबर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है. एज अबव नंबर कैन बी represented in the form of prime factors, therefore it is composite. Therefore it is a composite number. Those are not understood. Once again I am explaining. 7 into 11 into 13 plus 13. तो यहां पर से हमने 13 को कॉमन लिया है, हमें 7 इंटू 11 मिला. ओके, उसके बाद 7 इंटू 11 दैट इज 77 और ये प्लस 1, तो ये पूरा हमारा 78 हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 13. ओके, तो ये 78 को मैंने रिप्रेजेंट किया है एज 2 इंटू 3 इंटू 13. ओके, एंड दिस 13 एज इट इज. अब इसे हम लिख सकते हैं एज 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर. सो हम एट द लास्ट लिखते हैं एज अबव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. So it is a composite. Is it clear? So we'll start with the next beat of the same question. Okay. So हमारे पास आएगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. अब सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें जो कॉमन नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है. जो नंबर कॉमन है उसको आइडेंटिफाई करना है. तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 5 है और 5 यहां पर कॉमन है,
तो हम जैसे हमने यहां पर लिखा था उसी फॉर्म में लिखते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 × 5। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो हमने 5 को बाहर लिया है। ओके, तो ये सबका प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 2 × 3 = 6, ओके, 6 × 4 = 24, 24 × 6 = 144, 144 × 7 = 144 Now 7 × 4 = 28, so 2 carat, 7 × 4 = 28 + 2 = 30, 3 carat, 7 × 1 = 7 + 3 = 10, so 1008 + 1, ये +1 as it is और multiplied by 5, तो हमारे पास आएगा 1009 multiplied by 5। तो अब हमें पता है कि दिस 1009 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 1009 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज अ कंपोजिट बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड as a product of prime factors। okay, so एक बार फिर से repeat करता हूं, हमें यहां पर नंबर प्रोवाइड किया गया था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ओके, तो हमने यहां से 5 को कॉमन लिया है तो +1 यहां पर आया, तो 5 को हमने आउटसाइड लिया है। फिर हमने इन सब का प्रोडक्ट किया, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 6 = 144 × 7 = 1008, 1008 + 1 = 1009 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये सब कुछ होने के बाद हमने इसे लिखा 1009 × 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके ओके, बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल, ध्यान दीजिए, बहुत इजी है लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन इज गिवन एज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। There are two contenders, one is Sonia and other one is Ravi. तो they are starting from a particular point and they are moving in the same direction. तो हमें ये बताना है कि वो दोनों एक साथ फिर से कब मिलेंगे। ओके, और उन्होंने टाइम भी दिया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो वो दोनों कब वापस फिर से वही स्पॉट पर एक दूसरे को मिलेंगे, एट व्हाट टाइम। ओके, तो हमें यहाँ पर ऑब्वियसली एलसीएम फाइंड करना। मैंने उसी दिन आपसे बोला था कि जब भी थ्री सिग्नल्स या थ्री स्टूडेंट्स या टू कंटेंडर्स या एनीथिंग ऐसा कुछ भी दिया हो तो उस समय हमें एलसीएम कंसीडर करना है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर एलसीएम कंसीडर करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, किसका, 18 का और 12 का। सो क्वेश्चन नंबर 7, टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि is equal to 12 minutes. Okay, and अब यहां पर 18 minute और 12 minute इन दोनों का हमें जो है वो हमें LCM find करना है। We have to find the LCM. तो सबसे पहले हम इनके prime factors find करेंगे। 18 के prime factors आएंगे 2 9s are 3 3s are 3 1s are and 12 के factors आएंगे 2 6s are 2 3s are 3 1s are। ओके, ये फैक्टर्स आए हैं, तो 18 के फैक्टर्स को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3
एंड 12 के फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं एज 2 into 2 into 3। ओके, तो इसे हम 2 into 3 raised to the power of 2 लिख सकते हैं, इसे हम 2 raised to the power of 2 into 3 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 raised to the power of 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 raised to the power of 2, सो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सो 9 4 जा 36, तो हमारा एलसीएम कितना आया 36 आया, यानी दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, तो हमारा आंसर जो है वो 36 है। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम करना था जिसका फाइनल आंसर हमारे पास 36 है, तो आप एट द लास्ट लिख सकते हो देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ रूट टू इज इरेशनल। ओके, प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल, ये क्वेश्चन प्रूव करना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो 100% बोर्ड के एग्जाम में आता है, इस बार भी आया था। ओके, और आगे वाले आने वाले साल में भी जरूर जरूर ये क्वेश्चन होगा। ओके, सो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जैसे क्वेश्चन 100% फाइनल एग्जाम में आते ही है। तो क्वेश्चन है हमारे पास प्रूफ रूट टू इज इरेशनल। अब हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि लेट लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ऐसा कंसीडर करते हैं। लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, अगर रूट टू इज अ रैशनल नंबर है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर रूट टू can be represented in the form of p upon q where q is not equals to 0, यानी हमें पता है कि root 2 को p upon q के form में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि कोई भी rational number को हम इसी form में लिखते हैं कि जहां पर q की value 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहां पर ऐसा करेंगे, इस q को left hand side पर transpose करते हैं, so q multiplied by root 2 is equals to p, okay, इसे हम equation 1 consider करते हैं। Now squaring on both the sides, इस root को हमें हटाना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, squaring on both sides, तो यहाँ पर square करने के बाद हमें मिलेगा, this will become q square and root 2 का जो square आएगा वो 2 ही होगा, is equals to p square, is it clear, q square into 2 is equals to p square। अब इस 2 को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, q square is equals to p square upon 2, okay, now इसे मैं equation 2 बना देता हूँ। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर p square को 2 डिवाइड करता है, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब यह है कि जब पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। आए समझ में? जैसे कि सपोज मेरे पास 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, ओके, 16 इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 भी 2 से डिविजिबल है, ये 100% ट्रू है। तो वैसे ही हमने यहां पर लिखा है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। अब यहां पर आगे ध्यान दीजिए, अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 2c, p इज इक्वल्स टू
टू सी। अब टू सी क्या है, सी इज एनी इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर। नाउ अगेन इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर थ्री बनाते हैं, ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर थ्री बना रहे हैं। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स इन इक्वेशन वी गेट पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। तो आप यहां पर ओके, इस पी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हो इक्वेशन टू में। आपको पता है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर टू है, तो आप इस पी स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पी स्क्वायर की जगह पर फोर सी स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर टू इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर, फोर सी स्क्वायर। अब हम इस टू को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर अपॉन टू, तो टू वन जा टू टू जा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। अब इस टू को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप यहां पर देखो, जब क्यू स्क्वायर अपॉन टू हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर को अगर टू डिवाइड करता है तो क्यू को भी टू डिवाइड कर सकता है, ओके, देयरफॉर टू इज अ फैक्टर फॉर बोथ पी एंड क्यू, देयरफॉर पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore, root 2 is irrational. Root 2 is irrational. तो यहां पर हमने ये प्रूव किया है root 2 as a irrational. अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो और एक बार देख सकते हो, और कल ऐसे ही क्वेश्चंस और हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।